शांतनु सेन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सर जरा बताइए कि जो सबूत हमने न्यूज नेशन ने सौंपे हैं और जिसको लेकर पूरे देश की नजर अब सीबीआई पर टिकी है, इस मामले में सीबीआई कैसे जांच कर सकती है? क्या दिशा सान्याल का जो मामला है वो और सुशांत की मौत का जो मामला है उसको जोड़कर देखना, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब तक दिशा की मौत की गुत्थी नहीं सुलझती है तब तक सुशांत की मौत की गुत्थी नहीं सुलझाई जा सकती है। आपने जो इंफॉर्मेशन सीबीआई को दी है वो सबूत तो नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सबूत तो सीबीआई और पुलिस ही कलेक्ट कर सकती है जी। अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है उस पर सीबीआई जरूर जांच करेगी, गौर फरमाएगी, और अगर इसमें तत्व है तो सीबीआई को उचित तरह से जी इसकी पूरी छानबीन करनी पड़ेगी जी। आपने एज ए रिस्पॉन्सिबल चैनल अपना काम किया है, आपने सारी बात जांच एजेंसी को बता दी है जी सर। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है जी, ये इंतजार कर सर। एक शख्स आकर दावा करता है, खुलासा करता है, एक एक मिनट की बात बताता है, इस पार्टी के बारे में बताता है, 8 जून की रात के बारे में बताता है जब दिशा की मौत हुई थी उसके बारे में बताता है, और वो तमाम सबूत हम उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो शख्स खुद हमें फोन करके तमाम जानकारी देता है, और हमारा काम, हमारा जो कर्तव्य है और हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हमने निभाया है।